क्या रे छोटू, ये ड्यूटी पे आने का टाइम है क्या? अरे सॉरी मैडम, रोज देर से आता है और रोज सॉरी बोलता है। तेरे ये चक्कर में ना एक आधा पेशेंट घर पे ही मर जाएगा। हाँ, आई एम डॉक्टर गुंडी स्पीकिंग। मैं मेंबर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो मेंबर साहब। ठीक है, मैं भी एम्बुलेंस के साथ आऊंगी। चलो छोटू इमरजेंसी है। अरे छोटू जल्दी चलाओ। हाँ बोलो मैडम, क्या बात है? टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? अरे कमाल करते मैडम। अरे दवा खाने में घड़ी लगे लेना, देख लो क्या टाइम हो रहा। अरे तुम भी ना मैडम, अब तुमने टाइम पूछने को मेरे को बोल लगा है। अरे बावले, मैं टाइम नहीं पूछ रही, बता रही ड्यूटी 9 बजे की है और अभी 10 बज रहे, ड्यूटी पे नहीं आने का क्या? अरे थोड़ा समझ लेने का मैडम। अरे बस 5 मिनट में आराम है, अभी आराम है। अरे जोड़ी इतनी गाय में कहा जा रहा, कुछ हुआ क्या? हाँ हुआ ना। अरे वो लल्लन है ना, उसकी गाय को बच्चा हुआ। ए, मैं टांग अड़ाए बिना तेरा खाना नहीं हजम होता। खाना मैं सही बोल रहा ना पहलवान? लो कर लो बात, मेरा जरा सा पूछना तो इतना देर लगा के रे। को मालूम है ना मैं ड्यूटी पे जा रहा, तो काली बिल्ली के जैसे रास्ता काटने की क्या जरूरत है? इससे टेढ़ बात मत कर। अच्छा है तू एम्बुलेंस का ड्राइवर है, अभी पायलट होता तो अंगारी मुतता था तू तो। ऐसा गलती हो गई मेरे से? अरे मेरे बाप तेरा हाथ जोड़ता, मेरा पीछा छोड़, अब जाऊँ क्या ड्यूटी पे? अरे तू सिला गुदरी, जाके मत जा, मेरे बाप का क्या जा रहा? ए छोटू जरा सुन तो। अब बोल अब क्या है? अरे वो पीके है ना। कौन पीके? हाँ वो जो पी के राड़ा करते फिरते वो ना। हाँ वही, अब उसके वास्ते ना एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी। अब उसको क्या हो गया? अरे उसकी औरत बोल रही थी उसको थर थरे की बीमारी हो गई, और उसका आंग तो ऐसा हिलता ऐसा लगता जल जला आ गया। मेरे बाप रे, ये कौन सी बीमारी है पलवार? अरे मेको क्या मालूम, उस डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोले कभी भी इसको नासिक ले जाना पड़ सकता। और सुन छोटे टाइम ने मराठी का चार बन जाता वो। अरे मेरे बाप रे, मराठी का चार? हाँ बहुत तरह सारा बा, न जाने क्या होगा। अरे नहीं रे उसकी औरत का मतलब पी के गया तेल लेने, उसकी औरत की ज्यादा फिकर रहती को। सही है दोस्त, बिल्ली की नियत ना हमेशा छिछड़ों में लगे रहती। अरे तू का जा रहा, बोल रहे कुछ समझ रहा कुछ? अरे मेरे बाप रे, अबे पहलवान तू सिला गुदार। देखो बोले मेरे को गई है और 15 मिनट से मेरे से बात करते खड़ा। क्या रे छोटू, ये ड्यूटी पे आने का टाइम है क्या? अरे सॉरी मैडम, रोज देर से आता है और रोज सॉरी बोलता है। तेरे ये चक्कर में ना एक आधा पेशेंट घर पे ही मर जाएगा। हाँ आई एम डॉक्टर गुंडी स्पीकिंग। मैं मेंबर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो मेंबर साहब। ठीक है, मैं भी एम्बुलेंस के साथ आऊंगी। चलो छोटू इमरजेंसी है। छोटू जल्दी चलाओ, भगाओ यार गाड़ी जल्दी छोटू। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। क्या कर रहे हो तुम? रोको, अरे रोको गाड़ी, रोको रोको। क्या रे गंदी अडवाल, गाड़ी के नीचे मरने गए क्या? अरे मर गए मारने वाले। oh, no! अरे मेरे वास्ते एम्बुलेंस रोक रहा था वो। कौन है रे तू? काय के वास्ते लग रही रे तुमको एम्बुलेंस? मैं बोले अरे मैं पेशेंट है पेशेंट। अंत तू सरकारी दवाखाने का एम्बुलेंस का ड्राइवर? और बोले तो आवाम का नौकर, नौकर मतलब जनता का नौकर। बे काले, बस जरा मुंह को लगाम दे, बस तेरा बाप का नौकर है क्या? मैं काय का पेशेंट है रे तू, क्या दुख रहा तेरा? दिख नहीं रहा क्या? मेरे पाँव में बाल तोड़ हो गया, बाल तोड़।
चल घर तक छोड़ दे मेरे को। अबे तू नवल गए क्या? अबे रिश्ता पकड़ान जा घर को। एक मिनट छोटू, एक मिनट। अरे ये एम्बुलेंस सीरियस पेशेंट के लिए, तू क्या सीरियस से कह रहे? मैं कुछ नहीं जानता, ये एम्बुलेंस सरकारी है ना, मेरे को घर तक छोड़ दो। ज्यादा तक तक मत कर, भाई को घर तक छोड़, नहीं तो ये एम्बुलेंस मेरे लाश पे से जाएंगी। अब बंद कर तेरी राग पर और हट जाओ रास्ते से। मैं तो सही बोल रहा हूँ, ये एम्बुलेंस ना तुम्हारे आंग पे से चला दूंगा। ए छोटू छोड़ना इनको, साइड से गाड़ी निकाल ले। ए भाई का चल, बेड़ा समझ रही क्या हमको? ए बंटा जरा गाड़ी के आगे सो जा। मैं सही में सो जाऊंगा गाड़ी के नीचे। ए बंटा सो रहा गाड़ी के नीचे? अब बेटा नहीं तेरे आंग पे से गाड़ी चला दिया ना, मेरा नाम भी छोटू नहीं। छोटू रुक, मैं अभी पुलिस को फोन लगाती। ओ मैडम, अरे काय को मामू लोग को फोन लगाने का? अरे माँ की कसम, मेरे पैर में सही में बाल तोड़ हुए ले। अरे मेरे जेब में अगर रिक्शा के आते पैसे रहते तो काय को तुमको सताते थे हम। अरे मैं बहुत गरीब है। कह रहे कल्या आ गई क्या नानी यार? अब चल रास्ता ना, नहीं तो मैं लेता कन भट्टी का माप। अरे भाई, अरे लेके चल, छोड़ दे घर तक, काय को दादा क्या कर रहा? क्या रे फिर वो एड़े चाले लगा, तेरे बाप की गाड़ी है क्या? बाप का नाम नहीं लेने का, बोल रहे बंटे को। अरे भाई, अरे गुड्डू भाई बिन बाप का है। है ना बॉस, सही बोला मैंने? अबे दतुरे, बाप था मेरा लेकिन मर गया वो। तूने अब बाप का नाम लिया ना, तो बवाली कर डालूंगा मैं। तुम लोग सरकारी काम में अड़चना ला रहे हो और ऊपर से हमको ही धमकी दे रहे, ये बहुत महंगा पड़ेगा तुमको। चलो बंद करो ये तुम्हारी धतिंगबाजी। अगर मैं अपनी पे आ गया ना, तुमको ना भागने को रास्ता नहीं मिलेगा। अरे रास्ते बहुत है लेकिन मजबूरी है ना, बाल तोड़ हो जाए मेरे को, कुछ तो तरस काम पे। आप डाला ना रिवाज के ऐसे सीधे बातें करने का, उनसे सीधे बातें नहीं करने का। चलो का गाड़ी में, पहले गाड़ी को धक्का मारो, गाड़ी जब चालूंगी फिर अंदर बैठने का। चल रहे बंडिया, बन गया अपना काम। ओह नो, चल लगा दे। ले बंडिया, ले बंडिया, वहाँ बंडिया बंडिया। अरे बाप रे, अरे इसको बाल तोड़ ले, अरे इसको दवाखाने लेके जाने का है। मेंबर साहब ने बोला था एम्बुलेंस बहुत जल्दी आ जाएगी, पर अभी तक नहीं आई, मरता भी नहीं जाना जा। अबे तो तेरे हाथ से मेरी नली दबा के मार डाल, मेरे को और नहीं जला जा, मरता भी नहीं। तो अलग ही धोखे को तान देते हो मेरे को, तुमको नहीं बोल रही थी मैं, वो एम्बुलेंस वाले को बोल रही थी। तुम काय को बाहर निकले मरने को? अरे नासिक जाने को बाहर निकला मैं, एम्बुलेंस कब आएगी? हिलते हिलते थक गया मैं। अरे मैं हिला रही क्या तुमको? इंसान में इतना भी हलगर्जीपना नहीं होना। अरे एम्बुलेंस आएगी, जा घर में सिलगो। अरे अब मेरे को थरथर ही छूट जाए ली है, अब मैं रुकने वाला नहीं। जा फिर हिलते हिलते नासिक निकल जाओ, बहुत 30 मार का बन रहे हो। अरे मेंबर को फोन लगा, एम्बुलेंस बुला, देख तुझे समझा तेरा, पहले हिलेला है, तुझे हिला दूंगा। अरे मेरा मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया है, क्या लगा दिया फोन लगा। मेरी जिंदगी का बैलेंस खत्म हुआ ना, फिर तेरे समझ में आएगा तलाटे का भाव। क्या जी, मुझे बेवा करने का बहुत अरमान है क्या तुमको? देखो जतला दे रही है तुमको, देखो आ गई एम्बुलेंस। अरे वही हड्डी वही काले, आगे मेरा बहुत बुरा हाल है। अरे पेशेंट का? अरे इतना बड़ा आदमी टोरा टोरा इंडोला के जैसा हिल रहा और पूछ रहे पेशेंट कौन है? अरे ड्यूटी कर रहे हो क्या, मजाक कर रहे हो तुम दोनों? ओ कला, अरे जरा नीड बोल। अरे डॉक्टर मैडम है वो, लाइन से बात कर। अन कभी मेरी आदमी की लाइन उकर गई ना तो यहाँ बहुत बड़ा दांगड़ा कर दूंगी मैं, ध्यान रखना। अरे मेरे बाप रे बाप, अरे सायरा साहब हिल रहा, अब यहाँ से हिलते के नहीं। अरे तुम गुच्छू पिलो और तुम दोनों ड्यूटी कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, लगाओ मेंबर को फोन। अरे काला, अरे जरा गुच्छू बैठी गाय को चुप बैठू मैं, अगर मेरे को है ना लोटे में बंद करोगे ना तो मैं तोटी में से बोलूंगी। सायरा नाम है मेरा, वाह रे वाह। अरे सायरा गाला, अरे
ये दिलीप कालू के हालात देख और दाल गाड़ी में। दाल गाड़ी में बोल रहा है? मेरे आदमी का तू का कचरा बिठा समझ रहा है क्या? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल बोल रहा है क्या तू? अरे बिठाओ बोल रहा है ये, पेशेंट की हालत देखो, तक तक बक बक बाद में करो। आरा बहन देखना कैसे तेरे मेरे हो रहे हो। तुम घबराओ मत, बिठाओ इनको एम्बुलेंस में, चलो उठाओ रे। अरे मेरे बाप रे बाप, अरे क्या मेरा जनाजा उठा रहे क्या? मैं खुद हिलते हिलते जाऊंगा, गाड़ी में बैठ जाऊंगा। ठीक है, तू क्या सुपरमैन है क्या? गाड़ी में जाके उड़ के बैठ जाएगा, मैं करूंगा तेरी मदद आके। अरे तू चुप रे। अरे सायरा अकेली पड़ जाएंगी, एक से भले दो। चल पीके। ओए माँ। ए भाई ए छोटू, अरे गाड़ी रोक गाड़ी रोक। अरे बहुत अर्जेंट है, बार रोक तो सही। अब गाड़ी काहे को रोका? ए संडास की साहब, घर से करके आने को होना ना रे। मरीज की हालत देखना कितनी खराब है, गाड़ी रुका दिया। अरे मैंने संडास की साहब के हस्ते नहीं रुकाया गाड़ी, दरअसल मेरे को यही काम है, इसके हस्ते यही गाड़ी रुकाया मैंने। और मैंने सोचा कि गाड़ी के साथ में नल्ले की भी यात्रा हो जाएगी, इससे ये गाड़ी में बैठ के आया मैं। अरे मतलब ही अंडे, देखो जरा भी किसके फिकर नहीं, परवाह नहीं है। चल निकल। चल आता है सायरा मैं। आना मत, जा निकल निकल। अरे वाले चलो गाड़ी। पहलवान का काम निकल गया, तुम कुछ भी बोलते जाओ। हाय गाइस, गाइस अगर आपको छोटू दादा एम्बुलेंस वाला ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल छोटू की सुपर कॉमेडी को सब्सक्राइब कीजिए।